यहाँ से पहली है, इतना प्यारा व्यू है ना ये वाला। पापा का परामन के यहाँ से उड़ तू, यहाँ से। यहाँ पे एडवेंचर पबजी भी है, एटीवी भी राइड कर सकते हो, बाकी एडवेंचर उधर लिखे हुए हैं। मोहब्बत कहीं पहाड़ में, पापे चले पहाड़ में। अच्छा एंजॉयमेंट चाहते हैं तू, फर्स्ट बिजी माउंट आबू कभी शायद उनके पास मिल जाए तो मिल जाएगा, वरना फिर वापस जाके पीछे देख के आना पड़ेगा, क्योंकि हम जल्दी बारिश आ रही है पर इन्होंने रोक रखा है, वरना अभी इस बारिश में भीगने का पूरा मन हो रहा है मेरा। वरना ले लो। मौसम देखो यहाँ का, पूरा धुंध हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, इतना सही मौसम हुआ है ना बाहर का, एकदम धुंध और सारे सारे बाहर आ रहे हैं, स्नैप्स आ रहे हैं सबको, मजा आ गया और लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा धुंध हो रही है सामने। अरे क्या नीचे आ गया, बादल नीचे आ गया। हाँ जी, इसके हिसाब से आप सभी का स्वागत है 10 नाके कुंडली ब्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं, पहले तो कुछ खा रहे हैं ये लोग, मेरे तो फास्ट में तो खाऊंगा नहीं, ये सब लोग कुछ खाएंगे तो ये लोग खा ले, उसके बाद में अपन चल रहे हैं गुरु शिखर। हमने स्कूटीज रेंट ले लिए, 6 स्कूटीज रेंट ली हमने, और 6 का हमारा प्राइस जो पड़ा है वो है 3,000 रुपये, 500 रुपये वीकेंड के टाइम पे, मतलब वीकेंड के टाइम पे यहाँ पे इतना रश है, तुम्हें अगर रश देखना तो देख लो, सारी गाड़ियाँ अगर खड़ी है, उतना गंदा रश हो रखा है ना आज तो। यहाँ पे जब आओ तो वीकेंड्स के ऊपर तो यही सीन है, और स्कूटी का रेंट बाकी दिन यहाँ पे 300 रुपये रहते हैं, 250 रुपये रहते हैं, पर आज के दिन यहाँ पे 500 नीचे से कोई मान ही नहीं रहा है। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, हमने एक एक रेनकोट ले लिया अपने साथ में, अगर बारिश आती है मे भी तो, बस यही सब है। यहाँ पे ऑमलेट वगैरह जो भी खा रहे हैं, मैगी वगैरह वो खा रहे हैं, उसके बाद में अपन चलेंगे ऊपर, तो अब आपको स्कूटी दिखा रहे हैं ऊपर चलते हुए। मौसम देखो ऊपर का, वो पहाड़ दिख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है, बस यही काम अपना आज का। जब हम आ चुके हैं स्कूटियों पे और सबका वेट कर रहे हैं, पीछे आ गए सारे, ये सब आ रहे हैं, चमन सर ये रहे और ये लोग आ गए, और अब अपन जा रहे हैं गुरु शिखर यहाँ से। तो ये रास्ता लिया हमने, शॉर्टकट है ये थोड़ा सा, मतलब एक तो रास्ता होता है उधर सामने सामने निकलते हैं अपन उस जो पोलो ग्राउंड है वहाँ से, बट वहाँ से नहीं गए हम लोग, हम यहाँ से जा रहे हैं इस रास्ते से, ये थोड़ा शॉर्टकट है इसलिए ये रास्ता चुना है हमने, और बहुत अच्छी रोड है तो ये रास्ता रिकमेंड करता हूँ, मतलब जो पोलो ग्राउंड वाली रोड है उससे अपन जब वहाँ से स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट के अपन को राइट लेना है, राइट लेके चलना है इधर, तो ये रोड एकदम सही है, यहाँ से चलो, चलो चलते हैं अब, सारे आ गए। और इधर हेलमेट रिक्वायर्ड है, तो जो पहला बंदा पहन रहा है वो हेलमेट ज़रूर लगाओ, और बहुत अच्छी रोड है, सबके सब स्नैपचैट बना रहे हैं आगे, मस्त एकदम अच्छा माहौल हो चुका है, चलो चलते हैं। मैं फ़ोन रख देता हूँ एक बार, अंदर फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पर, इसलिए ऐसी रुवादियाँ और ऐसी, फिर स्कूटी चलो ठीक है क्योंकि स्पीड अपने को लिमिट में रखनी है, इसलिए स्कूटी और ऐसी वादियाँ परफेक्ट मैच है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में सच में। और ये देखो बात है, देखो रिकमेंड करता हूँ, मतलब आओ यहाँ पे अभी इस टाइम पर, बहुत अच्छा टूरिज्म है, हम जा रुके हैं राजमहल होटल नाम है वहाँ पर, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ रुको, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आपको। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन सभी का, क्योंकि वो सब पीछे रह गए थे, मैं और चमन सर तो आगे आ गए बुलेट के चक्कर में, कुछ बुलेट वाले लोग थे उनके साथ हम तेज तेज भागते भागते आ गए, तो अभी बाकी सब वो पीछे आ रहे हैं तो वो आ जाए, उनके साथ अपन फिर आएंगे आगे चलेंगे, तो उनका ही वेट हो रहा है यहाँ पर। और लिटरली बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ये देखो माउंट आबू का मौसम, अगर किसी का ज़्यादा बजट नहीं हो मनाली वनाली जाने का तो यहाँ पर माउंट आबू आ सकते हो, आ सकते हैं ना बजट 100% मस्त मौसम लगेगी, आप बताओ अच्छा मौसम हो रहा है, न्यू अगर आपके पास कम बजट में अच्छा इन्जॉयमेंट चाहते हैं तो एकदम मजा आ गया है यहाँ पे आने के बाद। और मौसम देखो एकदम बादल, एकदम यहीं पे बादल दिख रहा है वो पेड़ों के अंदर ही, बिल्कुल बादल यहीं पे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हाँ वीकेंड्स पे रश ज्यादा होता है, जो आप देख रहे हो अभी रश भयंकर रश है, इधर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज आपको मैं दिखा देता हूँ, जो एडवेंचर एक्टिविटीज है यहाँ पे, क्या एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे, जैसे बंजी हो गया और जिप लाइन वगैरह ये सारे हैं यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे एडवेंचर पबजी भी है, एटीवी भी राइड कर सकते हो, बाकी एडवेंचर उधर लिखे हुए हैं नेचुरल एडवेंचर्स, आओ बहुत अच्छी जगह है। बादल देखो एक बार आप हमारे बिल्कुल पास आते जा रहे हैं और धीरे धीरे और पास आ रहे हैं, उधर देख रहे हो चमन सरोवर खड़े हैं वहाँ पे, बादल बिल्कुल नीचे है, बहुत अच्छी जगह है, आओ इंजॉय करो यहाँ पे। रुको मैं एक काम करना, बताओ पापा का परामन के यहाँ से उड़ तू, यहाँ से बादल देखो गाइस बहुत तगड़े एकदम, अभी आपको ऊपर दिखाया था ना पेड़ों के ऊपर, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं बादल, बहुत अच्छी जगह है, और जो मजा आ रहा है यहाँ पे, और सब यहाँ पे फोटो पॉइंट है, यहाँ पे सब फोटो वगैरह ले रहे हैं, सब रुके हुए हैं, जगह है थोड़ी सी रुकने की, तो यहाँ पे हम सब रुके हैं एक बार, सारे आ चुके हैं बाकी। हिमांशु और चेज़
व्लॉग में हार काटी सर। हेलो, मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है घूमने का, एकदम बढ़िया। आना चाहिए ना इस मौसम में माउंट आबू। ये मेरे को भी लो वीडियो में। ओए बहुत मजा यार, क्या सही में जन्नत लग रही है ना ये पार्ट। देखो यहाँ पे, देखो बादल ही बादल पूरे नीचे आ चुके हैं। क्या आप दोबारा नहीं आना चाहोगे यहाँ पे? नहीं, ठीक है भाई। अभी हम रुके हैं फोटो वगैरह खिंचाने के लिए, आपको लोकेशन दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम नदी सी है। इधर फिर भी छोटा दिख रहा है अभी आपको, एक सेकंड ये गाड़ी निकल जाए फिर उधर जाता हूँ। इधर देखो सब लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, और वो देखो पूरी नदी यहाँ से बह रही है। इतना प्यारा व्यू है ना ये वाला, यहाँ पे आओ तो फोटो खिंचाओ जरूर यहाँ पे। और ये सब लोग खड़े हैं, बहुत अच्छी जगह है, आओ फोटो खिंचाओ यहाँ पे क्लिक करके। बहुत अच्छी अच्छी पिक्स आने वाली है, यहाँ पे बैठो, वहाँ से पूरा एकदम नजर दिख रही है लास्ट तक। हम जहाँ पे खड़े हो रहे हैं ना, मतलब ऐसा है यहाँ का मौसम कि हर 5 मिनट में, एक तो सही में ट्रैफिक बहुत है। अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर की आ रही है तो उसके लिए सॉरी, मतलब खूब ज़्यादा ट्रैफिक आप समझ सकते हो, गाड़ियाँ आ रही है अपने ज़्यादा। मैंने अभी तक माइक वाइक कुछ खरीदा नहीं, उससे ज़्यादा अनवॉइस आ रही होगी। मैं जल्दी जयपुर जाके पहले माइक खरीदूंगा, उसके बाद आपको वॉइस एकदम क्वालिटी बहुत सुपर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं क्या कह रहा था, हम जहाँ रुक रहे हैं हर 5 मिनट बारिश आ रही है, तो रेनकोट अब हम पहन नहीं रहे। जैसे हमारे किसी सीनियर ने पहन रखा है कि सबने उतार दिया ऑलमोस्ट, तो रेनकोट नहीं पहनना रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बारिश में भीगो यार, मज़ा तभी तो आएगा। तो बारिश में भीगने में तो मज़ा आएगा नहीं। इनको नहीं आएगा, मेरे को आएगा, आपको भी आएगा। भीड़ देख रहे हो गाइस, भयंकर आगे तक पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, और हम चल रहे हैं स्कूटी पर, एकदम धीरे धीरे निकलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वीकेंड्स पर गुरु शिखर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग एकदम थके थके गाड़ियों में, जैसे मुंह दिख रहे हैं लोगों के, पूरे थक चुके हैं, पूरे पीछे तक पूरा उधर बादल बादल, बस मौसम अच्छा हो रहा है उससे अच्छा लग रहा है, बाकी तो भयंकर भीड़ हो रही है। खूब मजा आ रहा है स्कूटी चला रहा है, बस ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाली जगह होती है ना, ये बस इग्नोर करो, बाकी तो बहुत मज़ा आ रहा है जैसे गाड़ी चला। वापस मतलब ये दो तो रेनकोट में, बाकी अपन सब ऐसे आ चुके हैं, बट जो माहौल हो रहा है ना, जो मौसम है यहाँ का, ये देखो ये पूरा मौसम वो वाला है। अरे मोहब्बत गई पहाड़ में, पापे चले पहाड़ पे, मोहब्बत गई पहाड़ में, मोहब्बत गई पहाड़ में, पापे चले पहाड़ में, मोहब्बत गई पहाड़ में, पापे चले पहाड़ में। गाइस आ चुके अपन दूसरी कर ऊपर आ गए, और बाइक उधर पार्क कर दी मैंने पीछे को, जहाँ पे बाइक पार्किंग थी। और ये देखो भयंकर बरसात आ रही है, सब लोग रेनकोट में, कुछ तो फाड़ चुके हैं, कुछ अपना बचा हुआ है। इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे आने का, सही टाइम एकदम परफेक्ट। हम आ गए हैं यहाँ पे गुरु शिखर ऊपर, ये इधर मंदिर है अंदर, वहाँ अंदर जाएंगे अभी, और यहाँ पे फोटो वगैरह चल रही है। बारिश इतनी प्यारी आ रही है ना, मज़ा आ रहा है, देख चुके हम पूरे ऊपर नीचे से ऊपर तक। क्या देख रहे हो? अरे मैं भी इसमें आ जाऊँ। भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आपको मौसम दिखाता हूँ, बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे पानी बहुत ज्यादा है। व्यू देखो पूरे बादल ही बादल है, और बारिश कितनी शानदार बारिश आ रही है, बहुत मजा। उधर देखो सामने वो मंदिर वगैरह थोड़े बहुत दिख रहे हैं आपको, उधर लोग फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत सही मौसम हो रहा है। भयंकर ठंड हो गई अब, मतलब ये हो गया ना कि हम क्या बारिश में भीग चुके, और बारिश में भीगने के बाद अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी लोगों ने ये सब खड़े हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। अब यहाँ से बस निकल रहे हैं, ऊपर से कार्तिक सरों का वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाए, वो कुछ शॉपिंग करने रुक गए थे तो वहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, बारिश स्टार्ट हो गई, दो दो मिनट की बारिश आ रही है, लिटरली दो दो मिनट की बारिश वहाँ पे, यहाँ पे मस्त भी है, ऐसे फोटो वगैरह खिंचा सकते हो, आओ रिकमेंडेड है, मोस्ट कॉमन, मज़ा आ जाएगा। पर थोड़े गर्म कपड़े लेके आना, क्योंकि सर्दी लग सकती है यहाँ पे ऊपर, सर्दी भयंकर है। हिमांश ठंड लग रही है, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, लग रही है वो बात अलग। तो चलो अब चलते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं नीचे, है ना, स्कूटी पर अपनी मेरी स्कूटी, ये लेना रेनकोट हो जाएगा। मौसम देखो वापस, तरुण तेरे को दिया था ना इनका फोन, मेरे पास मेरा फोन था, क्या करण सर का, तू शायद उनके पास से मिल जाए तो मिल जाएगा, वरना फिर वापस जाके पीछे देख के आना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे थे वहीं पे शायद रख दिया फोन, तो एक बार देख लेते। अरे देख लो एक बार,
होगा होगा इसमें होगा, जितना मुझे पता है ना इसमें है। तो देख लो बोल रहा है ना वो, मेरे अकॉर्डिंग इसमें है। एक एक घुमा लेफ्ट, एक लेफ्ट घुमा, इधर पर तीन बोल रहा है ना वो, इसमें एक बार चेक कर लो, इसमें होंगे, इसमें नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो, उसमें देखो, उसमें होगा। रवि जी ने डाल दिया, क्या पता इसमें, रवि जी ने कुछ तो बोल रखा था। अरे इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें होगा, इसमें देखो, इसको वापस ढको, रवि क्या उसमें डाल दिया उस सेफ्टी के लिए, इसमें एक बार देख लो यार, बस फाइनली अपन वापस आ चुके हैं माउंट आबू में, और सामने का बार देखो अभी भी यहाँ पे धुंध हो रखी है, कतई भयंकर वाली, बहुत ही कॉशियसली चलना पड़ रहा है वरना तो हालत ख़राब हो जाए अगर यहाँ पे ऐसे बिना कॉशियसली हम चले तो बस अब जा रहे हैं एक बार अशोक वाटिका पार्क, अपने जगह पे रूम पे जाएंगे, वहाँ थोड़े बैठेंगे और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से आगे, चलो बाय। हेलो गाइस, वापस आ गए रूम पे, कपड़े चेंज कर लिए अपन ने, भयंकर मजे किए आज, थकान हो रही है बढ़िया वाली। अब थोड़ी देर बाद में बाहर चलेंगे खाना वाना खाने, कल का जो खाना था वो इतना टेस्टी नहीं था, कल तो जब हमने खाना खाया वो बहुत अजीब खाना था, लिटरली बहुत अजीब, और यहाँ का वेट टाइम तो बहुत ज़्यादा है, तो अब कुछ और देखेंगे खाने के लिए, जगह देखेंगे कहीं और खा के खाएंगे, क्योंकि मेरा फास्ट मेरे को ढंग से खाना चाहिए होता है, एक टाइम खाता हूँ क्योंकि, तो बस ये क्या कर रहे हो ये